जहां मन वहीं हम। सुशील नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके दो पुत्र थे। बड़े का नाम था सुव्रत और छोटे का व्रत। दोनों युवा थे, दोनों गुण संपन्न तथा कई विद्याओं में विशारद थे। घूमते घामते दोनों एक दिन प्रयाग पहुंचे। उस दिन थी कृष्ण जन्माष्टमी, इसलिए वेणीधाम जी के मंदिर में महान उत्सव था। महोत्सव देखने के लिए वे दोनों भी निकले। वे लोग सड़क पर निकले ही थे कि बड़े जोर की वर्षा आ गई, इसलिए दोनों मार्ग भूल गए। किसी निश्चित स्थान पर उनका पहुंचना कठिन था, अतएव एक तो वेश्या के घर में चला गया, दूसरा घूमता भटकता माधव जी के मंदिर में जा पहुंचा। सुव्रत चाहता था कि व्रत भी उसके साथ वेश्या के यहाँ ही रह जाए, पर व्रत ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह माधव जी के मंदिर में पहुंचा भी, पर वहां पहुंचने पर उसके संस्कार बदले और वह लगा पछताने। वह मंदिर में रहते हुए भी सुव्रत और वेश्या के ध्यान में डूब गया। वहां भगवान की पूजा हो रही थी, व्रत उसे सामने से ही खड़ा दिख रहा था, पर वह वेश्या के ध्यान में ऐसा तल्लीन हो गया था कि वहां की पूजा कथा नमस्कार स्तुति पुष्पांजलि गीत नृत्य आदि को देखते सुनते हुए भी न देख रहा था और न सुन रहा था। वह तो बिल्कुल चित्र के समान वहां निर्जीव सा खड़ा था। इधर वेश्यालय में गए सुव्रत की दशा विचित्र थी, वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वह सोचने लगा, अरे आज भैया व्रत के हजारों जन्मों के पुण्य उदय हुए, जो वह जन्माष्टमी की रात्रि में प्रयाग में भगवान माधव का दर्शन कर रहा है। ओह, इस समय वह प्रभु को अर्घ्य दे रहा होगा, अब वह पूजा आरती का दर्शन कर रहा होगा, अब वह नाम एवं कथा कीर्तन आदि सुन रहा होगा, अब तो नमस्कार कर रहा होगा। सचमुच आज उसके नेत्र कान सिर जिह्वा तथा अन्य सभी अंग सफल हो गए। मुझे तो बार बार धिक्कार है जो मैं इस पाप मंदिर वेश्या के घर में आ पड़ा। मेरे नेत्र मोर के पाख के समान है जो आज भगवत दर्शन न कर पाए। मेरे हाथ जो आज प्रभु के सामने जुड़े कल ठूल से भी गए बीते हैं। हाय, आज संत समागम के बिना मुझे यहाँ एक एक क्षण युग से बड़ा मालूम होने लगा है। अरे देखो तो मुझे दुरात्मा के आज कितने जन्मों के पाप उदित हुए कि प्रयाग जैसी मोक्षपुरी में आकर भी मैं गौर दुष्ट संग में फंस गया। इस तरह दोनों के सोचते रात बीत गई। प्रातः काल उठकर वे दोनों परस्पर मिलने चले। वे अभी सामने आए ही थे कि वज्रपात हुआ और दोनों की तत्क्षण मृत्यु हो गई। तत्काल वहां 3 यमदूत और 2 भगवान विष्णु के दूत आ उपस्थित हुए। यमदूतों ने तो व्रत को पकड़ा और विष्णु दूतों ने सुव्रत को साथ लिया। जो ही वे लोग चलने के लिए तैयार हुए तो ही सुव्रत घबराया सा बोल उठा, अरे आप लोग यह कैसा अन्याय कर रहे हैं। कल के पूर्व तो हम दोनों समान थे, पर आज की रात मैं वेश्यालय में रहा हूँ और वह व्रत मेरा छोटा भाई माधव जी के मंदिर में रहकर परम पुण्य अर्जन कर चुका है, अतः भगवान के परम धाम में वही जाने का अधिकारी हो सकता है। अब भगवान के दोनों पार्षद ठहाका मारकर हंस पड़े। वे बोले, हम लोग भूल या अन्याय नहीं करते। देखो, धर्म का रहस्य बड़ा सूक्ष्म तथा विचित्र है। सभी धर्म कर्मों में मन शुद्धि ही मूल कारण है। मन से भी किया गया पाप दुखद होता है और मन से भी चिंतित धर्म सुखद होता है। आज तुम रात भर शुभ चिंतन में लगे रहे हो, अतएव तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत वह आज सारी रात अशुभ चिंतन में ही रहा, अतएव वह नरक जा रहा है। इसलिए सदा धर्म का ही चिंतन और मन लगाकर धर्मानुष्ठान करना चाहिए। वस्तुतः जहाँ मन है वही मनुष्य है। मन वेश्यालय में हो तो मंदिर में रहकर भी मनुष्य वेश्यालय में है, और मन भगवान में है तो वह चाहे कहीं भी हो भगवान में ही है। सुव्रत ने कहा, पर जो हो, इस भाई के बिना मेरी भगवत धाम में जाने की इच्छा नहीं होती।
अन्यथा आप लोग कृपा करके इसे भी यमपात से मुक्त कर दें। विष्णु दूत बोले, सुव्रत, यदि तुम्हें उस पर दया है तो तुम्हारे गत जन्म के मानसिक मार्ग स्नान का संकल्पित जो पुण्य बच रहा है उसे तुम व्रत को दे दो तो यह भी तुम्हारे साथ ही विष्णु लोक को चल सकेगा। सुव्रत ने तत्काल वैसा ही किया और फलतः व्रत भी हरिधाम को अपने भाई के साथ ही चला गया।